हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड गैंडर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। हमारे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बट बिकॉज ऑफ बिजीनेस ऑफ आर शेड्यूल हम उनका शायद टाइम पे रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, जिसके लिए मैं अपोलोजाइज करती हूँ एंड आई विल मेक श्योर कि हम लोग टाइम पे उसका रिप्लाई दें। पर फिर हमने सोचा कि एक सेशन ऐसा किया जाए कि जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके नाम के साथ लेके आपको उसका जवाब दूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे आपके प्रश्नों की, आपकी तकलीफ़ों की। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा है माया पाटिल ने, मैम IUI किए 8 दिन हुए हैं, मेरे पेट के लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? देखिए माया जी, IUI के 8 दिन बाद जो पेन होता है वो नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, नॉर्मल लेफ्ट साइड में पेन हो सकता है, या फिर अगर आप वाकई में प्रेग्नेंट हो और बॉडी में प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज हो रहा हो तो शायद कॉन्स्टिपेशन हो, उसका पेन हो सकता है। IUI के 8 दिन बाद वाले पेन बहुत ही माइल्ड होते हैं, अदर देन एक OHSS नाम की कंडीशन होती है, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। अगर ये चीज़ आपको नहीं है, आपके डॉक्टर ने इसका रिस्क फैक्टर आपको नहीं दिखाया है, नहीं बताया है, तो फिर आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई भी ऐसी पेन किलर आप ले सकते हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ हो, और पॉजिटिव माइंड के साथ वेट करिए अपने रिजल्ट का। दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा है शिवी फैशन से, जिन्होंने पूछा है मैम मैंने IVF करवाया है, beta HCG टेस्ट करवाया, 3.86 रिजल्ट आया है, फिर से beta HCG करवाऊँ? देखिए 3.86 अगर beta HCG है IVF के एम्ब्रियो ट्रांसफर के 15 दिन बाद, तो आई एम वेरी सॉरी टू से आपका रिजल्ट नेगेटिव है, आपका ये IVF साइकिल फेल हो चुका है, इसको रिपीट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर आपके डॉक्टर ने आपको बोला ही होगा कि आपका IVF साइकिल फेल है, इसको रिपीट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और नेक्स्ट साइकिल के लिए ट्राई कीजिए। उसके बाद फितोष कुमारी ने पूछा है मैम आज मेरा 6th डे हो गया है IVF का, थोड़ा सा ब्लड आया है और पानी जैसा दिखता है, ये कैसा सिम्टम है? देखिए IVF के 6 दिन हो गए हैं और उसके बाद में आपको स्पॉटिंग हुई है, तो मे बी दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीड। अगर हल्का सा एक स्पॉट होके आपको बंद हो गया हो तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम श्योर आपके डॉक्टर ने आपको प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट्स की दवाइयाँ समझाई होगी, वो आपको शुरू रखनी है। एकदम खून के जैसा खून गिरना शुरू हो तो डॉक्टर के पास जाना है, अदरवाइज एक या दो स्पॉट में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद शाहीन खान ने पूछा है मैम मेरा 2 बार मिसकैरेज हो गया है अर्ली प्रेगनेंसी में एंड अब 7 मंथ हो गए हैं मिसकैरेज को, तो अब मैं बीबी चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए आपके 2 बार मिसकैरेज हुआ है, वेरी सॉरी टू से, पर आपको अभी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बेसिक इन्वेस्टिगेशन करवाने होंगे, अब आई एम श्योर आपके डॉक्टर ने करवाए ही होंगे। अगर वो रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो फॉलिक एसिड का 3 महीने का कोर्स कम्प्लीट कीजिए एंड 7 महीने हो गए हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। वैसे साइंस ये कहता है कि आपको 1 साल तक वेट करना चाहिए, अगर 1 साल नहीं कर पाओ तो मिनिमम 6 मंथ्स तो जाने देने पड़ते हैं। 3 मंथ्स का फॉलिक एसिड कोर्स करके आप अभी अपनी नेचुरल ट्राई शुरू रखिए। अगर आपको एक्टिव मेडिसिन का कोई सपोर्ट चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि 2 महीना और वेट कीजिए, नेचुरल ट्राई शुरू रखिए, फॉलिक एसिड शुरू रखिए, फिर कोई एक्टिव इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट लीजिए एंड आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा ना हो। प्रिया कौशिक पूछते हैं मैम मैं 19 ईयर्स की हूँ और मुझे अभी भी यूरिन वॉइड का प्रॉब्लम है, तो मुझे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आप 19 ईयर्स के हो और आपको अभी तक प्रॉब्लम है तो आई एम श्योर आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया होगा, कंसल्टेशन किया होगा, बट आई वुड सजेस्ट आपको किसी भी अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए जो यूरिन के पेशाब की थैली के स्पेशल डॉक्टर है, शायद वो आपको यूरोफ्लोमेट्री का टेस्ट एडवाइस करे, जिससे पता चल सके कि आपको ब्लैडर में नर्व इनर्वेशन की प्रॉब्लम है या रियल में इनकॉन्टिनेंस है। यू मस्ट कंसल्ट अ यूरोलॉजिस्ट। सोनी निशा पूछती हैं हमसे इंडिपेंडेंट सरोगेसी की लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बारे में। देखिए आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो मेडिको लीगल क्वेश्चन है एक तरीके से, इंडिया में अभी इसकी लीगल प्रोसीजर्स, प्रोसीडिंग्स, कोर्ट हियरिंग्स सभी चल रही है, अभी बाकी है, पर जैसा कि मैंने सरोगेसी में बताया था कि कॉमर्शियल सरोगेसी बैन है, तो देर इज़ नो लीगल स्टेप्स फॉर कॉमर्शियल सरोगेसी। फिर भी अगर आप आल्ट्रोस्टिक सरोगेसी करवाना चाहते हो तो यू जस्ट हैव टू कंसल्ट योर IVF स्पेशलिस्ट, वो इसके बारे में आपको आगे समझाएंगे। नॉर्मल एडवोकेट से एक बॉन्ड साइन करवाना रहता है कि ये बच्चा
जो सरोगेट मदर है उनका नहीं होगा और उन्हें आपको सौंप देना पड़ेगा। बट कॉमर्शियल सरोगेसी के लिए अभी लीगल प्रोसीडिंग्स बाकी है, सो यू हैव टू वेट फॉर दैट। यास्मीन खान पूछते हैं, मैम मुझे डॉक्टर ने IUI करने के लिए कहा है और मेरा आज 13th डे है और एग साइज 17 mm है, मुझे PCOD की प्रॉब्लम है, मुझे IUI करवाना चाहिए या नहीं? देखिए, आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है तो आई एम श्योर उन्हें और कोई प्रॉब्लम आप में नज़र आ रही होगी, तभी उन्होंने IUI के लिए आपको सजेस्ट किया होगा। अगर आपके डॉक्टर ने कहा है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए उस केस में। और रही बात आपके फॉलिकल की, तो 13th डे पे 17 mm का फॉलिकल इज़ क्वाइट गुड, ये अच्छी निशानी है। PCOD में जनरली IUI का कंसेप्शन रेट ज़्यादा ही होता है, तो इफ़ योर डॉक्टर इज सजेस्टिंग यू शुड ट्रस्ट हिम एंड गो फॉर IUI। रूपाली गुप्ता पूछते हैं, मैम मेरे IVF ब्लास्टोसिस्ट करवाया है, 21st को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था, आज पिंक क्लॉट सा आया है। आगे के क्वेश्चन में ऐसा ही था कि आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 5 या 6 दिन बाद स्पॉटिंग हो रहा है, तो इट्स अ गुड साइन, इट्स एन इम्प्लांटेशन ब्लीड। अगर स्पॉटिंग होके बंद हो जा रहा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट जो दिया है वो चालू रखें, अगर ब्लीडिंग हो तो डॉक्टर के पास जाइए। मीनाक्षी दास पूछते हैं, IVF प्रेगनेंसी के 5th वीक में पहले ब्राउन डिस्चार्ज और दूसरे ही दिन हल्का सा ब्लीडिंग हुआ है, क्या करूँ? आपको कुछ नहीं करना है, आपके IVF के ऑलरेडी 5 वीक्स हो गए, इट्स वेरी गुड साइन दैट यू आर प्रेग्नेंट। और अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कई बार IVF पेशेंट्स में ऐसे एंडोमेट्रियल ब्लीड होता है, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि जब हम एंडोमेट्रियम गर्भाशय की दीवार IVF में बनाते हैं वो मेडिसिन से होती है, वो नेचुरली नहीं होती, तो कई बार एक्सेस होता है या फिर जहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ है वो अगर थोड़ा सा दीवार से अलग हुआ है, अगर वो जगह कच्ची है तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लीडिंग कटा होगा और वो निकल जाएगा। आपको प्रोजेस्टेरोन के हाई डोज दिए जाएंगे और शायद थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहा जाए, जैसा आपका डॉक्टर एडवाइस करे वैसे आपको करना चाहिए। बट आप घबराइए मत, हो सकता है प्लासेंटेशन की थोड़ी प्रॉब्लम हो इसलिए ब्लीड हो रहा हो, बट आई एम श्योर यू विल कंटिन्यू। प्रतिभा शुक्ला पूछती है, मैम एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद ट्रैवलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली इंडिया में ऐसा है कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद पेशेंट को 1 या 2 घंटे लिटाए रखते हैं, बाकी कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये तो OPD प्रोसीजर है, पेशेंट सुबह आते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा के अपने हॉस्पिटल, अपने जॉब में या घर में, या वो उनको जो काम होता है वो करने चले जाते हैं। हम यहाँ पे पेशेंट को रेस्ट देते हैं बिकॉज पेशेंट को ऐसा ना लगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद एकदम से खड़ा कर दिया तो शायद एम्ब्रियो नीचे गिर जाएंगे, ये चीज़ गलत है। आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं पर शर्तें, ज़्यादा आपको झटके लगे ऐसी ट्रैवलिंग नहीं होनी चाहिए, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में ट्रैवलिंग ना करें, ज़्यादा लंबी ट्रैवलिंग ना करें, बट अदरवाइज़ अगर आप सेफ्टी रख के ट्रैवलिंग करते हो तो आप कर सकते हो। मिसेस मनोज सिरोही पूछते हैं, मैंने IVF करवाया है मैम और मुझे 27 वीक्स हो गए हैं प्रेगनेंसी को, सब नॉर्मल है, बट मेरे डॉक्टर कह रहे हैं कि आपका IVF हुआ है तो C-section ही होगा। आई एम श्योर आपके डॉक्टर को शायद कुछ कॉम्प्लिकेशन आप में नज़र आ रहे होंगे तो उन्होंने कहा होगा, या आपको एसोसिएटेड कोई हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ है। IVF में जनरली डॉक्टर्स रिस्क नहीं लेते हैं, पर अगर आपकी एज छोटी है और 9 मंथ तक सब कुछ नॉर्मल है और आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद 10 साल 12 साल या 13 साल की इनफर्टिलिटी के बाद बच्चा हुआ है तो शायद डॉक्टर प्रिकॉशियस होके ये कह रहे हो कि हम शायद C-section करें। आप अभी फ़िलहाल अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करिए, और अगर आप चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो अंदर ही अंदर यही सोच, पॉजिटिव ऑटो सजेशन खुद को दीजिए कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करवा लूँगी, मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट देन यू हैव टू ट्रस्ट योर डॉक्टर, अगर उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन लगता है तो ओपन माइंड रहेगा, पॉजिटिव रहिएगा अप्रोच के लिए कि हमें हेल्दी बेबी हो। पर अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई चाहते हो तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो एंड आई एम श्योर वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। अशोक कुमार पूछते हैं, हेलो मैम, आई हैव बीन मैरिड 3 ईयर्स बट माई बेबी इज़ नॉट बॉर्न येट, आफ्टर दैट आई टेस्टेड विद माई स्पर्म रिपोर्ट विच इज़ वेरी लो, वॉट कैन आई डू? अशोक जी देखिए, अगर आपका स्पर्म काउंट बहुत ही कम है और आपको डॉक्टर ने समझाया होगा कि इसको मेडिसिन से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आपको 3 मंथ्स का मिनिमम 72 डेज की मेडिसिन का कोर्स पूरा करना चाहिए, और एल्स आपके सोनोग्राफी के लिए एडवाइस दी होगी आपको वेरिकोसिल है या नहीं, आपको एग्जामिनेशन के लिए कहा होगा किसी सर्जन के पास के एग्ज़ामिन करवाइए अपने प्राइवेट पार्ट्स को, या डॉक्टर ने खुद आपके प्राइवेट पार्ट्स एग्जामिन किए होंगे। जैसा आपके डॉक्टर ने एग्जामिन किया उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो, पर जैसा मैंने कहा कि अगर स्पर्म काउंट बहुत ही लो है तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, मेडिसिन तो एटलीस्ट स्टार्ट कर देनी चाहिए, फास्ट फूड्स बंद करना चाहिए, डेली एक्टिविटी में प्राइवेट पार्ट्स को ज़्यादा गर्मी न लगे वैसे काम करना चाहिए, योगा मेडिटेशन शुरू करना चाहिए, और अपने डॉक्टर को पूछना चाहिए कि इस स्टेज पर कंसीव करने के लिए मेरे लिए क्या आयु
UTI बेटर है या टेस्ट ट्यूब बेबी बेटर है, IVF बेटर है, आपके स्पर्म काउंट पे से डिसाइड होता है कि आपको IUI के लिए मोटिवेट किया जाए या टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए। तो आई एम श्योर अपने डॉक्टर से पूछिए, पर देरी मत करिए। जय पूछते हैं, हेलो मैम, मुझे 8 और 10 साल की 2 बेटियाँ हैं और अभी मुझे प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो IVF से बेटा हो सकता है या नहीं? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि इंडिया में ये लीगली बैन है, इस चीज़ को किसी भी डॉक्टर को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसीजर जो है उसमें PGD करके एक एडवांस टेक्निक आती है कि जिसपे से हम डिसाइड कर सकते हैं कि एम्ब्रियो फीमेल का है या मेल का। पर ये टेस्ट उन्हीं कपल्स को एडवाइस किया जाता है जिनके आगे बच्चों में कोई प्रॉब्लम हो या उनको एक्स लिंक डिसीजेज हो, या हीमोफीलिया है, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज है, ऐसा कोई डिसीज है जो मेल को ज़्यादा इफेक्ट करता है, या उनको रिपीटेड अबॉर्शन हो रहे हो, कैरियोटाइप एबनॉर्मलिटी हो, ऐसे केसेस में ही PGD एडवाइस किया जाता है। इंडिया में ये लीगली तौर पे बैन है और ऐसी प्रोसीजर्स हर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में नहीं की जाती है। टेस्ट ट्यूब बेबी में हम एम्ब्रियो अंदर कितने रख रहे हैं ये पता कर सकते हैं, बट एम्ब्रियो के बड़े होने के बाद 3 महीने पे ही डिसाइड होता है कि उसका जेंडर क्या है। ये चीज़ इंडिया में लीगली बैंड है, तो इस चीज़ को किसी भी डॉक्टर को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। एंड आई एम श्योर आपको कोई डॉक्टर इस पे एंटरटेन नहीं करेगा। जैसे आपने इन्फॉर्मेशन मांगी तो मैंने बताया कि PGD टेस्ट है, लेज़र टेस्ट है, जिससे एम्ब्रियो की बायोप्सी होके पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल। पर वो करवाने के लिए आपके पास मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके आगे के 2 लड़कियों में या फिर आपके बच्चों में या मिसकैरेजेस, कोई ऐसी तकलीफ होनी चाहिए जिसके लिए ये टेस्ट वैलिड है, ये साबित किया जा सके। हेलो मैम, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा, निशा पूछते हैं, हेलो मैम, मैंने नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा में रहती हूँ, शादी को 11 साल हो गए हैं पर बच्चा नहीं रुकता, और सरोगेसी के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैंने सरोगेसी के लिए वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने कहा है कि आल्ट्रोस्टिक सरोगेसी आप करवा सकते हैं, पर कमर्शियल सरोगेसी बैन है। तो आपके कोई फ्रेंड, आपके कोई रिलेटिव जो आपको नॉन कमर्शियल सरोगेसी के लिए हेल्प कर सकते हैं, तो वैसी लेडी को लेकर आप अपने टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में जा सकते हैं, डॉक्टर से मशवरा ले सकते हैं। चंद्रकाश मेश्राम पूछ रहे हैं, हेलो मैम, मेरी वाइफ ने प्रेगनेंसी कंसीव होने के 3 महीने तक स्पॉटिंग आ रही है, एक दिन में 2 बार और 2 दिन हो चुके हैं। 3 महीने पे स्पॉटिंग आना, तो ज़रूर सी बात है कि कुछ प्लासेंटल इशू ही होगा कि जिसकी वजह से स्पॉटिंग आ रही है। एक बार अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपकी वाइफ को नीचे से चेक करेंगे कि गर्भाशय के मुख पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और सोनोग्राफी करके प्लासेंटल लोकलाइजेशन देखेंगे। अगर गर्भाशय बच्चेदानी के मुख पे अगर जो प्लासेंटा है, जो मैली का भाग है, वो आके चिपकता है, तब ऐसी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है जो कई बार वहीं के वहीं रहता है, और कई बार प्लासेंटल माइग्रेशन के एक टर्म होती है, एक फिनोमिनन होती है, जिससे वो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 9 महीना पूरे होने तक ऊपर खिसक जाता है। तो ये चीज़ नॉर्मल होती है, इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक बार सोनोग्राफी ज़रूर करवा लें। स्वाति पूछते हैं कि सेकेंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है और मुझे बैक पेन हो रहा है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद बैक पेन आपको तभी होगा जब आप हद से ज़्यादा रेस्ट करेंगे। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद सिर्फ सोते नहीं रहना है, थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखिए। दूसरा, अगर आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए कि आपको कोई नस तो नहीं दब रही, बिकॉज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का और बैक पेन का कोई लेना देना नहीं है। अनिल पूछते हैं, आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पीरियड में पेन इज़ पॉसिबल? अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है तो कोई भी डॉक्टर यही सोचेगा कि आपको पीरियड्स ना आए, बिकॉज आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होनी चाहिए। बट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद पीरियड्स में पेन नहीं होता है, पीरियड्स में पेन होने के लिए दूसरी सारी चीज़ें जवाबदार हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद पीरियड्स में पेन नहीं होता। भावना पूछते हैं, मैम, मेरे लास्ट मंथ को ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं बेबी प्लान कब कर सकती हूँ? आपका ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन किस वजह से हुआ था ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर सिंपल सिस्ट है तो आप प्लानिंग शुरू कर सकते हैं, अगर PCOD ड्रिलिंग हुई है तो भी आप प्लानिंग शुरू कर सकते हैं, अगर एंडोमेट्रियोमा है, चॉकलेट सिस्ट है, तो आपको ज़रूर प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो सिस्ट के रीजंस पे डिपेंड करता है, पर अगर ये 3 रीजंस है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, स्टार्ट योर प्लानिंग। शबरीन फातिमा पूछते हैं कि उनके हस्बैंड को ओलिगोज़ूस्पर्मिया है और डॉक्टर ने टैबलेट्स दी है और IUI करवाने को कहा है। अगर आपके हस्बैंड को ओलिगोस्पर्मिया है तो आपको डॉक्टर की बात ज़रूर सुन लेनी चाहिए, आपको IUI के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है
जो काउंट कम है वो काउंट ज़ीरो हो जाता है, फिर हमारे पास डोनर में जाने का ऑप्शन रहता है। तो इट्स बेटर कि अगर आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो आपको IUI करवा लेना चाहिए। नीलकंठ पूछते हैं कि मैम मेरे सीमेन रिमोट में ऑलिगोसूस्पर्मिया है और मुझे वेरिकोसिल है, इसलिए मेरी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो पॉप्सन जैसी टैबलेट से ठीक हो सकता है? पॉप्सन टैबलेट से ठीक वेरिकोसिल हो सकता है नहीं हो सकता, उसका जवाब आपके सर्जन आपको दे सकते हैं। अगर आपका वेरिकोसिल ऑपरेटिव कंडीशन के लिए फिट है तो आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए और साथ में इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का कंसल्टेशन करके अपनी मेडिसिन शुरू कर देनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेबी प्लान करना शुरू कर देना चाहिए। दीपिका पूछते हैं कि मैम मेरा फॉलिकुलर स्टडी हुआ है, 13 डे में मेरा एग रप्चर हुआ है, फॉलिकल साइज 29 mm था, ET 8 mm, इसके बाद प्रोजेस्ट्रॉन फेमजिल 200 मुझे दी गई है, तो सक्सेस हो जाएगा? सक्सेस हो जाएगा, आपको तो यही सोचना है कि सक्सेस हो जाएगा, लेकिन सक्सेस होने के लिए आपका टेंशन फ्री होके फिजिकल रिलेशन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि सब चीज़ें परफेक्ट है तो वेट एंड वॉच, ट्रस्ट योर डॉक्टर, ट्रस्ट योर सेल्फ, पॉजिटिव रहिए और रिजल्ट के दिन तक पॉजिटिविटी ही बनाए रखें, यू मे कंसीव। शंभु पूछते हैं हमारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, शादी के 3 साल हो गए हैं, IUI के लिए बोला है मैम, क्या करवाना चाहिए या नहीं? सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी प्रेगनेंसी ना रुकना, यानी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, IUI का रिजल्ट अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आपको अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि नाउ इट्स योर टर्न टाइम टू गो फॉर IUI, आपको करवा लेना चाहिए। दैट्स इट, हम जितने ज़्यादा अपने व्यूअर्स के प्रश्नों का जवाब दे सकें हमने कोशिश की है। आगे भी ज़रूर से कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख भेजिए, हम ज़रूर से टाइम निकाल के ऐसे वीडियोस बनाएंगे। और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में होगा। थैंक यू।